हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट ऐसे चौहान, आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबी किचन एंड गार्डनिंग, और आप हैं मेरे रूफटॉप गार्डन में। ये देखिए, आज कुछ नए फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको ले आई ऊपर। हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, हमारे नस्टर्शियम ब्लूम होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है इन पे, और बडिंग भी काफ़ी हुई हुई है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त बडिंग हुई हुई है। और ये भी मैंने इसमें कुछ सीड्स डाले थे, शायद ये वही जर्मिनेट हुए। मुझे लगता है ये इंग्लिश डेज़ी के सीड्स हैं, उसके ये प्लांट्स निकले हैं। लेकिन अब इनको मैं निकालूंगी नहीं यहाँ से, इधर ही लगे रहे अगर ब्लूम आ गए तो ठीक है जी। और ये हमारी यूफोर्बिया मिली के, ये तो पहले शेयर किए हुए हैं आपके साथ, और हम कुछ और आपके साथ शेयर करते हैं, रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पे जी ये रोज़ ब्लूम हुआ है, इसको तो मैं ख़ुद भी नहीं देख पाई, तो आपके साथ मैं क्या शेयर करती। ये देखिए सूख गया है बेचारा, अब तो ये झड़ने वाली है इसकी लीव्स, तो ऊपर आना नहीं हो रहा रमज़ान की वजह से। तो अभी मैं आई, मैंने कहा चलें देखते हैं क्या कंडीशन है प्लांट्स की। और ये देखिए, ये मेरा है हिबिस्कस का, ये भी इस पर काफ़ी बडिंग हुई हुई है, ये कल ही तो कल तक खिल जाएगी, तो फिर मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और ये देखिए, ये काफ़ी बडिंग हुई हुई है हिबिस्कस पे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका भी रिज़ल्ट जा रहा है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे मैंने इनको प्लेस किया अपने प्लांट्स को, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह की धूप रहती है सिर्फ, तो दोपहर की और शाम की धूप जो है वो यहाँ पे नहीं आती, साया हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इनको मैंने इधर प्लेस किया है कि आगे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर गर्मियों में प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से इनको मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। और ये देखिए, ये मेरा दूसरा है हिबिस्कस का प्लांट जो है, वो सिंगल पेटल वाला था, उसका फ्लावर होता है, और ये जो है ये डबल पेटल वाले, और इसमें भी बडिंग हो रही है। ये देखें, ये भी ब्लूम हो जाएंगे अब फ्लावर्स। और इधर भी कुछ नस्टर्शियम ब्लूम हुए हुए, अगर मैं दिखा पा रही हूँ आपको, धूप बहुत तेज़ है तो इस वजह से यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और कुछ यहाँ पे अभी प्लेस करने, ये जो इधर रखे हुए हैं प्लांट्स मेरे, ये देखें इनको वहाँ पे प्लेस कर देंगे। इनमें भी बडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ पता नहीं चला कि ये कौन सा प्लांट है, आप लोगों ने भी मुझे नहीं बताया। ये देखिए, अब इसके फ्लावर्स ब्लूम होंगे तो फिर शायद कुछ मैं देख पाऊँ इसको, फिर मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि ये क्या चीज़ है। इधर भी नस्टर्शियम लगे हुए हैं, इसमें फ़िलहाल ब्लूमिंग नहीं स्टार्ट हुई। और ये डॉफ वाला यूफोर्बिया मिली, ये हमारा अलमंडा का प्लांट, इसमें अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे इसके अभी लीव निकलना स्टार्ट हो गई हैं, ये अभी इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये तो इस कदर ब्लूमिंग करता है कि आपको पिछली दफ़ा मैंने जब इसकी ब्लूमिंग हो रही थी, मैंने शेयर किया था आपके साथ, बहुत ज़्यादा इसकी ब्लूमिंग होती है। ये हमारे मॉस रोज़ लगे हुए हैं, इनका भी अभी कुछ करते हैं, रमज़ान के अब 3-4 दिन बाकी हैं, तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर इन काम कुछ करेंगे जी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए अपने प्लांट्स, इनको वाटरिंग भी कर दी है। और ये कलांजू मेरे जो हैं, ये तो इनके अब स्पेंड हो गए हैं फ्लावर्स, ये अब ईद के बाद इनको हम ऊपर से हटा देंगे फ्लावर्स को, तो प्लांट्स अपने सेव कर लेंगे, तो ये हमारे अब ब्लूमिंग करते रहेंगे। ये देखिए वाटरिंग कर दी है मैंने, और ये हमने यहाँ पे रेन वाटर जमा किया हुआ है, ये देखें अभी मैंने सारे प्लांट्स को वाटरिंग की है, अब ये इतना हो गया है हमारा, ये
वाटर इतना यूज़ हो गए तो अब दोबारा से बारिश होगी तो फिर ये भर जाएगा। और ये इधर हमारे स्टोर में, यहाँ पे एक डव ने ना नेस्ट बनाया हुआ है अपना घोंसला यहाँ पे, ये देखें अगर मैं दिखा पा रही हूँ तो, यहाँ पे ये बैठी होती है, अभी गई हुई है फिलहाल दाना शाना लेने के लिए। ये देखें ये आ गई है, मैं अंदर आई हूँ तो इसको खतरा महसूस हुआ है और ये आ गई है, अंडे दिए हुए इसने यहाँ पे, ये देखें कितनी प्यारी है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए बहुत खूबसूरत। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ये बैठ गई है यहाँ पे, ये देखें। अल्लाह हाफिज़। अपनी होस्ट को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, आबाद रहिए।